चुनाव होने के लिए जा रहा है और उस पर वीआईपी पार्टी पहले ही निर्णय ले चुका है कि 165 सीट पे हमें चुनाव लड़ना है। उसकी तैयारी ऑलमोस्ट हमने जितनी भी करना था जिला से लेकर बूथ तक कमेटी हमने बना लिया है। हमने रैली भी तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक रैली हमने उत्तर प्रदेश में हमने कर लिया है और अभी हमने 165 सीट पर प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। उसके लिए मोटरसाइकिल आया है और सामान इसका जो भी प्रचार किट है वो सारे चीज़ें हैं जो परसों हम लोग लॉन्च करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के 165 सीट जहाँ चिन्हित है वहाँ पे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो उनको काम करना है व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे सोशल मीडिया पे काम करना है और जो भी काम उस कमेटी का बचा होगा उस पर कम्प्लीट करके काम करेंगे और चुनाव जब तक उत्तर प्रदेश में रहेगा तब तक वो प्रभारी उसी विधानसभा में रहेंगे। और फूलन देवी जी का प्रतिमा हमने पहले निर्णय लिया कि हर बूथ पर एक फूलन देवी का प्रतिमा लगना है किसी निषाद के परिवार के घर पे, तो उसका कार्यक्रम है जो अभी परसों लॉन्च करेंगे। उसका निरंतर लगातार हफ्ता 10 दिन में ये सारी चीज कंप्लीट कर लिया जाएगा और मजबूती से हम लोग अभी कैंडिडेट पे बैठे हैं सिलेक्शन पे। ऑलमोस्ट 1700 से अधिक का हमारे पास आवेदन आ चुका है कैंडिडेट का और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 17-18 हज़ार लोग आएंगे और उसमें हम लोग चयन करेंगे। हर जाति धर्म को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। हमारा मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, अपने अधिकार हमें मिले और इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से नाराज हैं और हमें लगता है कि हमें एक बार अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। आज लोग हमें नहीं पहचान पा रहे जबकि हमारे पास 14-15% वोट बैंक है। आज अगर किसान से डरे तो किसान के लिए किसी बिल वापस लिए, लेकिन निषाद से नहीं डर रहे। जो हमारे आरक्षण है वो केंद्र सरकार क्लियर नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में भी हमने संघर्ष किया, बिहार में संघर्ष करके आज हम सरकार में अपने लोगों के लिए राज्य में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्य लड़ाई है केंद्र सरकार हमें आरक्षण लागू करे और इसके लिए हम लोग लगातार केंद्र सरकार के भी संपर्क में है कि जल्द से जल्द लागू कर दे, क्योंकि बंगाल में या दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में उत्तर प्रदेश और झारखंड में नहीं मिल रहा। तो हमारी लड़ाई है कि आने वाले 2024 में हम पूरे भारत में 3 राज्य में और 150 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करेंगे और मुझे लगता है कि 2024 तक सरकार को सुनना पड़ेगा निषाद का बात और निषाद को आरक्षण लागू करेंगे। आप जिस तरीके से ये 165 प्रभारियों को मोटरसाइकिल देने जा रहे हैं, जो आपके प्रत्याशी होंगे क्या उनको भी दिया जाएगा? प्रत्याशी को उससे भी ज्यादा कुछ दिया जाएगा, सारे प्रचार के सामान दिया जाएगा, उनको सिंबल दिया जाएगा और उन्हीं के प्रचार के लिए मदद के लिए ये लोग प्रभारी उनके लिए काम करेंगे। सर, मुख्य समाज है कि आप एक वर्ग विशेष को प्रमोट करते हुए इस पूरे चुनाव में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वर्ग विशेष को लेकर कितनी मजबूती आपके चुनाव में रहेगी? नहीं, निश्चित तौर पे जो वर्ग विशेष कह रहे हैं वो हमारे परिवार है और मेरा दायित्व है कि अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और मेरा ये मांग जो है जेन्युइन है और इसलिए हमें लड़ाई लड़ना है, उनके अधिकार के लिए हमें खड़ा होना है। और मुझे लगता है हर ऐसे समाज के लोग अपने अपने वर्ग के लिए अपने अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। जैसे आज अभी आपने देखा कि सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण हुआ, तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ कि गरीब लोग जो है उनको निश्चित तौर पे आरक्षण मिलना चाहिए और जो 10% आरक्षण मिला 8 लाख कमाने वाले लोगों के ऊपर, जो नीचे कमाने वाले उनको आरक्षण 10% का दिया गया। मेरा मांग है कि भारत में जो लोग भी 8 लाख से नीचे कमाने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस जाति जिस धर्म से आते हैं, उस सबको आरक्षण लागू कर दिया जाए। जो 8 लाख से ऊपर कमाने वाला चाहे जिस धर्म में हो जिस जाति में हो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी देश में बनाने की आवश्यकता है। हर गरीब के लिए सरकार है, राज्य हो या केंद्र का जो खजाना है उस पर पहला अधिकार जो होता है वो गरीब का होना चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं अपना दायित्व नहीं पूरा कर रहा, इसलिए हर जाति से मुझे लगता है हर धर्म के लोग को अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास अधिक वोट है